अगर बात महाभारत कथा की हो रही हो तो उसमें शकुनी की बात ना आए तो समझिए कि आपने इस युद्ध के बीज को ही नहीं समझा। जी हाँ, महाभारत का बीज, ये संज्ञा शकुनी पर बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि ये सारा प्रपंच उसी का रचा हुआ था। और ऐसा उसने क्यों किया, इसके लिए आपको लेकर चलते हैं गांधार की तरफ। गांधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसका मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। इसका फैलाव फिलहाल के उत्तरी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी अफगानिस्तान तक था। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबल का पुत्र था। राजा सुबल की पुत्री गांधारी थी, जिनकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में थी। उस समय गांधार राजकुमारी के रूप की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी। गांधारी के रूप की चर्चा सुन भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने का सोचा। पहले तो उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण कर लिया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका यह विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। परंतु ऐसा करने से अंबिका और अंबालिका ने उन्हें मना कर दिया। अतः भीष्म गांधार की राज्यसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर जाते हैं, और हुआ वही जिस बात की शंका भीष्म को थी। तब भीष्म पितामह क्रोधित होकर सुबल को धमकाते हैं कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य को तहस नहस कर बर्बाद कर दूंगा, मैं अपने बाहुबल से इसे समाप्त कर दूंगा। फलतः राजा सुबल भीष्म के क्रोध के आगे झुक जाते हैं और अत्यंत दुखी होकर अपनी सुंदर राजकुमारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करने के लिए राजी हो जाते हैं। कहा जाता है कि गांधारी की कुंडली में सुखद वैवाहिक जीवन का योग नहीं था, इसलिए ज्योतिषों ने सलाह दी थी कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करने से पहले एक बकरे से करवा दिया जाए, जिससे उसके पहले वैवाहिक जीवन का संकट उस बकरे पर ही टल जाए। इस प्रकार गांधारी का पहला विवाह बकरे से होता है, जिस बकरे की बाद में बलि दे दी जाती है। इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से गांधारी विधवा हो जाती है। इसके बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी के बकरे के साथ पहला विवाह और फिर विधवा होने के बाद धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म को नहीं पता होती, परंतु कुछ समय उपरांत यह बात लोकमानस में फैल गई और हस्तिनापुर के लोक अपवाद का कारण बनने लगी। जब यह बात धृतराष्ट्र के कानों तक पहुंची तो वे क्रोधित हो उठे और उन्हें ऐसी गलत फहमी हो गई कि गांधारी का विवाह पहले किसी अन्य पुरुष से हुआ था और वो किसी अन्य पुरुष की विधवा है। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और इस सभी घटना का दोषी उन्होंने गांधार नरेश सुबल को मान लिया। कुरुवंश को धोखा दिए जाने की बात से भीष्म इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने गांधारी के पिता सहित उसके सभी भाइयों को नजरबंद कर दिया। यह नजरबंद करना वास्तव में कुरुवंश का मेहमान नवाजी की आड़ में गांधार वासियों को मारने का षड्यंत्र था। वास्तव में उस काल का धर्म यह था कि जब वधु का परिवार उसके ससुराल पहली बार आता था तो वे तब तक वापस अपने राज्य नहीं जा सकते थे जब तक उन्हें वधु के ससुराल वालों की तरफ से भोजन मिलता रहे। और इसी धर्म की आड़ में कौरवों ने गांधारी के पिता और उसके भाई को नजरबंद कर रखा था। समय के साथ साथ भोजन की मात्रा कम होती गई। अंत में कम की सीमा यहाँ तक पहुंच गई कि गांधारी के परिजनों को सिर्फ एक मुट्ठी भोजन मिलता था, जिससे वे सभी कमजोर होने लगे। कुछ समय बाद गांधारी के पिता और भाई हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए और अब उन्हें स्पष्ट हो गया था कि कौरव उन्हें भूखा मारना चाहते हैं। परंतु उन्हें रोजाना नियम से एक मुट्ठी भोजन दिया जा रहा था, इसलिए वे अपने देश वापस नहीं जा सकते थे।
ऐसा करना उनके धर्म के खिलाफ था। गांधारी के परिजनों ने आपस में यह फैसला किया कि अब से एक मुट्ठी अनाज सिर्फ शकुनी को खिलाया करेंगे और बाकी सब आमरण उपवास करेंगे, क्योंकि उन सब में शकुनी कुशाग्र बुद्धि वाला और अच्छा कूटनीतिज्ञ था। उन्होंने शकुनी को जिंदा रखा ताकि वह जीवित रहकर कुरुवंशियों से प्रतिशोध ले सके। शकुनी अपनी जान बचाने के लिए अपने मृत भाइयों का अंग काट काट कर खाता रहा ताकि वह मजबूत बनकर उनका बदला ले सके। कहते हैं कि उसके पिता ने मृत शैया से उठकर शकुनी को पैर पर जोर से प्रहार किया था, जिससे उसका टखना टूट गया। जब शकुनी ने वजह पूछी तो उसके पिता ने कहा कि मैंने तुम्हारा टखना इसलिए तोड़ा ताकि तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध लेने के लिए जिंदा रखा गया है। पिता की मृत्यु के बाद शकुनी कुरुवंश को नष्ट करने का प्रण करके अपने देश आ गया। अपने भाइयों और पिता का कर्मकांड अपनी मातृभूमि पर करने के उपरांत वह एक अच्छे सलाहकार के रूप में हस्तिनापुर लौटा। अपनी मृत्यु से पहले शकुनी के पिता ने उनसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी उंगलियों को काट कर उससे पासा बनाना। मैं अपनी तंत्र विद्या से ये तय करूंगा कि हर बार पासा तुम्हारे अनुसार ही अंक लाए। अभिमंत्रित पासों की वजह से शकुनी को कोई भी जुए में हरा नहीं सकता था। जब शकुनी हस्तिनापुर राजमहल में आया तो उसने कौरव पुत्रों खासकर दुर्योधन के व्यवहार की समीक्षा की और वही शकुनी को हस्तिनापुर में घुल मिलकर बर्बाद करने का एक रास्ता मिल गया। उसने अपने बदले को पूरा करने के लिए अपनी बहन के बच्चों का सहारा लिया। कुटिल शकुनी 100 कौरवों का विश्वास जीतने में सफल रहा। दुर्योधन केवल अपने शकुनी मामा की ही बात मानता था। इसी बात का फायदा उठाकर शकुनी ने हस्तिनापुर को बर्बाद करने के लिए दुर्योधन के दिमाग में उसके भाइयों के खिलाफ जहर भरता रहा और परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध हुआ, जिसके अंत में कौरवों का नाश हुआ और इस प्रकार शकुनी का प्रतिशोध फलित हुआ।